हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर फूडी पर। आज हम आपको घर पर बनाए जाने वाले क्रिस्पी क्रंची गोभी के पकौड़े बनाने की रेसिपी बताएंगे, जिससे कि आप बिल्कुल चिकन विंग्स जैसे बिल्कुल ही क्रिस्पी गोभी के पकौड़े बना के तैयार कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक बाउल लेंगे, उसमें हमने एक बाउल छोटा बाउल राइस डाला है। राइस को सही से वॉश कर लेंगे, धुल लेंगे, और धुलने के बाद हम इसको इसमें साफ पानी डाल के इसको लगभग अगर आप नॉर्मल पानी डाल रहे हैं तो उसको लगभग 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दें। अदरवाइज अगर गर्म पानी डाल रहे हैं तो 15 से 20 मिनट के लिए आपको छोड़ना होगा। उसके बाद हम इसको देखेंगे हल्का सा, जब राइस फूल जाएगा ना तो उसको हम मिक्सर में एक ग्राइंडर में आपको एक बिल्कुल ही बारीक एक पेस्ट बना लेना है। आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसे होगा। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड ऑन करेंगे और इसके बाद फिर से मिक्स करेंगे तो जो बैटर तैयार होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। आप देख सकते हैं इस तरीके का बैटर तैयार होगा। इसको हम एक बाउल में डाल लेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स करके इसको घुमाते जाएंगे और एक घोल बना लेंगे। उसके बाद इसमें हम जितना राइस लिया था उसकी आधी क्वांटिटी में बेसन मिक्स करेंगे। बेसन मिक्स करने के बाद उसको सही से हिलाते फेंटते रहेंगे जिससे कि उसकी जो गांठें हैं बिल्कुल फूट जाएं, एक भी गांठ ना रहे। और अगर पानी की मात्रा आपको कम लगती है तो आप पानी ऐड ऑन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आपको कुछ इस कंसिस्टेंसी का बैटर तैयार करना है। सॉल्ट अनुसार टेस्ट अकॉर्डिंग सॉल्ट डालेंगे, वैसे 1 चम्मच, और टेस्ट के अकॉर्डिंग ही आपको चिली फ्लेक्स डालना है, चिली पेस्ट और ब्लैक पेपर पाउडर। उसके बाद इसको भी मिक्स कर लेंगे सही से। मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ आपको ऐसा बैटर तैयार करना है। उसके बाद हम एक फूल गोभी लेंगे और इसके कुछ इस शेप में आपको कट कर लेना है। कट करने के बाद हम इनको सही से बॉस कर लेंगे और बॉस करने के बाद इनको हम पानी से निचोड़ के जो हमने बैटर तैयार किया है उसमें डाल देंगे। और इसको सही से मिक्स कर देंगे। अगर बैटर आपको थोड़ा पतला लगता है थोड़ा गाढ़ा कर लीजिएगा। आप बेसन ऐड ऑन कर सकते हैं जिससे ये गाढ़ा हो जाएगा। और सिंपल तरीके से आपको ये सारी कोटिंग कर लेनी है, जैसे आपको एक स्पून से या किसी भी स्टिक की मदद से आप इसको हिला हिला के जो इसका बैटर है वो उस गोभी के चारों तरफ मिक्स हो जाए, जैसे कि आप देख सकते हैं ऐसे ही आपको मिक्स करना है। और इसके बाद हम ऑयल वगैरह डाल के कढ़ाई पे गरम करेंगे और इसको फ्राई करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें जिससे कि आने वाली ऐसी ही रेसिपी हम आपके लिए और लाते रहेंगे, जिससे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप देख सकते हैं हम इनको फ्राई करेंगे और आपको इनको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। अगर आप तेज फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ऊपर से पक जाएगा लेकिन अंदर गोभी कच्चा रहेगा, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। आपको मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है इनको। आप देख सकते हैं क्रिस्पी होना शुरू हो गया है। इनको 1 से 2 बार हमको हिलाना होगा, पलट देंगे। अगर आपका नॉन स्टिक की कढ़ाई है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपका नॉर्मल है तो हो सकता है जब आप इनको डालेंगे तो चिपक सकते हैं। ऑलमोस्ट होने वाले हैं, इनको ब्राउन होने तक स्लो फ्लेम पे हमको पकाना है। आप देख सकते हैं हमने बीच में कट कर दिया था, हमारे कुरकुरे क्रिस्पी पकौड़े तैयार हो चुके हैं। इनमें थोड़ा सा चाट मसाला डाल के इनको हम मिंट सॉस के साथ सर्व करेंगे। ये हमारा बेहतरीन स्नैक्स है, आप जब इनको खाएंगे आप ट्राई कीजिएगा घर पे, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही क्रिस्पी लगते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, ऐसे ही और रेसिपीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबा दें जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। जय श्री श्याम।